संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, बल्कि सब आते हैं, पर वो कितने जुड़े रहेंगे इसका टेस्ट तो मैं परेशानी देकर ही तुम्हें लेता हूँ। थोड़ा सा दुख आया नहीं कि फिर से नेगेटिव हो गए। गुरु जी कहते हैं, मैं कहता हूँ आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, पर हम इतने नेगेटिव होते हैं कि भरोसा खो बैठते हैं और जल्दी से दूसरा दर पकड़ लेते हैं। यही हमारी भटकन है, अपने मल्लाह पर, अपने गुरु पर भरोसा ही नहीं है, अपने मालिक पर विश्वास ही नहीं है कि गुरु जी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, पर हम उनका हाथ छोड़कर फिर इधर उधर भटकना शुरू हो जाते हैं। यही हमारी भटकन है और इसको शांत करने के लिए हमें एक दर एक हाथ पकड़ना होगा, अपने पिता का, अपने भाई का, जो हमें कभी डूबने नहीं देंगे। जय गुरु जी। जी संगत जी, गुरु जी कहते हैं हम अभी भी अपने गुरु जी के साथ अपनी जर्नी को उनके साथ समझ नहीं पा रहे हैं, ना ही उनके आने के मकसद को समझ रहे हैं। अपनी ह्यूमन नेचर की वजह से हम आज भी ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, निंदा, चुगली, तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, इस सब में उलझे हुए हैं। ये सब तो हमें छोड़ना ही होगा। हम अकेले इंसान नहीं हैं जो परेशान हैं, दुखी हैं। लाखों करोड़ों ऐसे हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं। हमें नहीं पता उनके पास हमारे गुरु जी जैसा कोई देव है भी या नहीं, जो हमें अपनी पनाह में रखे हुए हैं। जब हम मांगने लगते हैं या उनसे अपनी कोई मांग पूरी करवाते हैं, तो गुरु जी जल्दी से आकर हमारी उस मांग को पूरा कर देते हैं। पर जैसे ही हमें थोड़ी सी परेशानी आती है, हम फिर से नेगेटिव हो जाते हैं और हम उनकी भाग। जय गुरु जी, भाई गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब हम संगतों की संगति में रहते हैं तो संगत का साथ इतना शक्तिशाली होता है कि वो बड़े से बड़े विनाश को भी टाल सकता है। अब समझ में आता है कितनी बार किसी अनजान संगत ने हमारे जीवन में आकर या गुरु जी ने हमें उनके जीवन में अचानक से भेजकर उनके और हमारे कितने ही कष्ट काट डाले हैं। ये बातें बहुत गहरी हैं, समझने में थोड़ा समय लगेगा। सिर्फ जय गुरु जी कहने से, वाहे गुरु जी कहने से हम गुरु की संगत नहीं बन जाते। इस शब्द की ताकत को समझना होगा कि ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर कोई हमारी लाइफ में आकर हमें डिस्टर्ब करता है तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी महाराज ही उसे हमारी लाइफ में भेजते हैं और हमारे कर्मों को शुद्ध कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर संगत जी हम ऐसे लोगों से भागेंगे जो हमें परेशान करते हैं, तो कोई ना कोई और हमारे जीवन में आ जाएगा। इसलिए शुक्र करें उस दिन का कि चलो आज एक बुरा कर्म और टल गया और कट गया, अब हमें ऐसे लोगों से नहीं मिलना पड़ेगा। गुरुजी ने जल्दी जल्दी उनको हमसे मिलवाकर हमारा कल्याण कर दिया और हमारी आगे की जर्नी को भी बहुत सुखद और अच्छा बना दिया, क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। तो घबराना नहीं है कभी भी, शुक्राना करना है। जय गुरु।